हिसाब से इस अजा खाने में पब्लिक का हाल देख रहे हैं। जितने अंजुमन के लोग हैं सब इंतजाम में लगे हुए हैं और मोमिनीन अभी आए नहीं, और जो आ गए हैं रात में किसी के यहां वो बिस्तर से उठना नहीं चाहते अभी। एक दो एक जगह मैं देखता चला आ रहा हूं, लोग बड़े आराम से सोए हुए हैं। अच्छा आप लोग थोड़ा हैदर में जी भाई जाहिर सी बात है अभी लोग आए नहीं, अभी थोड़ी देर बाद कहेंगे जल्दी करिए खत्म करिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले वो घड़ी अगर देखूंगा ना तो मजलिस खत्म ही नहीं हो पाएगी। इरशाद हो रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलहू और रसूल है उसका, रसूल है
वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, और वो लोग जो ईमान लाए, यकीमून सलाता, नमाज कायम की, वयूतून ज़कता, और ज़कात अदा की, वहम राकिऊन, दरा हाले के वो रुकू में थे। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारा वली अल्लाह है और रसूल है, और वो लोग जो ईमान लाए, नमाज कायम की, ज़कात अदा की, दरा हाले के वो रुकू में थे। अल्लाह अगर सिर्फ इतना कहता, वलीयकुमुल्लाह व रसूलुहु, तुम्हारा वली अल्लाह है और रसूल है, तो बात पूरी हो जाती। और उसके बाद जितने वली हम चाहते बना लेते, कोई हरज नहीं। हम इसको थोड़ा पीछे करोगे भाई, थोड़ा सा इसको थोड़ा पीछे लोगे, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में, जाने मोहतरम। अगर अल्लाह सिर्फ इतना कहता वलीयकुमुल्लाह, इसका मतलब हुआ तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलहु, और उसका रसूल है, तो भी बात कामिल हो जाती। लेकिन वलीयकुम से पहले एक लफ्ज इन्नमा लगाया है अल्लाह, और अरबी जबान में अगर जेर जबर कभी फर्क हो जाए तो मानी बदल जाते हैं जी। याद वो एक बार आ जाए, कल्लू भाई आगे आए, आप आगे आए, वहां कहाँ बैठ रहे हैं, इतनी देर में पहुंचे नहीं तो कुछ पढ़वाया जाता आपसे। जाने मोहतरम, अरबी जबान में अगर आए आप तो वहाँ का ज़ेर ज़बर पेश जो वो भी हैसियत रखता है, और अगर क़ुरान में है तो ये अल्लाह का कलाम है, एक साकिन भी फालतू नहीं है क़ुरान में। ज़ेर ज़बर पेश की बात छोड़ दीजिए, एक साकिन, एक जज़्म, एक ये भी क़ुरान में, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है। हमारे कलाम में हो सकता है कि हमसे गलती हो जाए, हम कुछ कह दें, जबान से कुछ निकल गया, दादा हमसे ये हो सकता है, लेकिन अल्लाह से, कुरान अल्लाह का कलाम है, उसमें एक साकिन भी जहां पर है, एक जबर जहां पर है, एक पेश जहां पर है, अपनी एक हैसियत रखता है। चे जाए कि पूरा एक हर्फ इन्नमा हो तो उसकी हैसियत जाहिर सी बात है बदरजे औला होगी, ऐसा नहीं है। बाज़ हरूफ आते हैं जो तज़ईन के लिए आते हैं, सजावट के लिए, मानी भी उसके होते हैं, कभी कभी कहा जाता है ये ज़ायदा है। जैसे अलिफ लाम, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अलिफ लाम है ना, हम्द है सिर्फ, ये अल्हम्द जब हो गया तो इस अलिफ लाम का मतलब है। कहीं कहीं ये ज़ायदा भी होता है, यानी सजावट के लिए आता है कि ये बुरा ना लगे, जुमला अच्छा लगे। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब, हम्द में क्या फर्क है, हम्द का मतलब है कि तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन जब अल लग गया तो उसका मतलब हो गया तमाम तारीफ। अब जितनी तारीफ हो सकती है सब अल्लाह के लिए है, उसके अलावा कोई लायक तारीफ नहीं। लिहाजा एक अलिफ लाम ने यह फायदा दिया, ऐसा नहीं है कि अलिफ लाम अरबी बनाने के लिए आता है, जैसा कि जनाब जुल्फ़िकार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सऊदीया रह के आए हैं, और लोग तो ये भी बैठे हुए हैं सामने पास, यहाँ जब आते हैं सऊदीया से पलट के, तो आपस में जब बात करते हैं सऊदीया वाले, पूरी अरबी तो जानते नहीं, तो अरबी बनाने के लिए उसमें अलिफ लाम लगा देते हैं। और इसका जिंदा सबूत अभी भी मिल जाएगा, इलाहाबाद आप जाएं, बैठे हुए हैं नूरुल्लाह रोड पर, एक ज्वेलर की दुकान है, उस पर लिखा है अल बब्बू, अल बब्बू। पहली बात समझते हैं, खुद परेशान हूं ये क्या है। लिहाजा बाद में जब उसको अलग अलग किया, हिंदी अंग्रेजी सब में लिखा हुआ सब देखा, तो मालूम हुआ वो अल बब्बू अरबी बनाया गया है। वो असल में उसका नाम था बब्बू,
तो उसने अपने पुकारने वाले नाम से अल बब्बू बना के अलिफ लाम लगा के अरबी बनाने की कोशिश की। तो अजीजान मोहतरम अलिफ लाम लगा के अरबी नहीं बनाई जाती। नाम जो है जिस जबान का है उसी जबान में रहेगा, उसमें कोई तरमीम नहीं होगी। जैसे इब्राहिम इब्राहिम रहेगा चाहे कुरान में हो चाहे अरबिस्तान में हो, इसलिए कि यह अरबी नहीं है, कभी अल इब्राहिम नहीं हो सकता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा मोहतरम एक एक हर्फ एक एक लफ्ज एक एक नुक्ता एक एक जेर जबर पेश सब अपनी जगह हैसियत रखता है कुरान का। तो उसमें एक इन्नमा उन्हें कहा कि अगर कहा जाए वली हुक्मुल्लाह व रसूलहू बात पूरी हो जाती है, अल्लाह तुम्हारा वली है रसूल तुम्हारा वली है, वो जो ईमान लाए वो वली हैं जिन्होंने नमाज कायम की हालत ज़कात दी दरा हाले के वो रुकू में थे। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम बात पूरी हो जाती, लेकिन अल्लाह ने कहा इन्नमा। अब ये इन्नमा क्या है अज़ीज़ान मोहतरम? इन्नमा का मतलब होता, आप लोग इन्नमा से बहुत बखूबी वाकिफ हैं आप लोग, और कम से कम जो लोग परमानेंट जमात में जाते हैं जहां जमात होती है शबे जुमा शबे जुमा, कम से कम वहां हदीसे के साथ पढ़ी जाती है आयत तथहीर, आप लोगों को याद होनी चाहिए। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का बस ये इरादा है। ये बस कहां से आ गया? ये युरीदुल्लाह का मतलब अल्लाह की, ये इन्नमा का फायदा है। इन्नमा घेरने के लिए आता है, हस्र के लिए आता है, महदूद करने के लिए आता है। जहां इन्नमा आ गया ना उसमें कोई दूसरा दाखिल हो सकता है और ना उसमें से आप किसी को निकाल सकते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्नमा का फायदा हसर का है, घेर दिया। अब इसमें ना दूसरा कोई आ सकता है ना इससे कोई निकल सकता है। लिहाजा इन्नमा तुम्हारा वली, वलीयुकुम इन्नमा वलीयुकुम तुम्हारा वली सिर्फ अल्लाह है, इसके अलावा और कोई दूसरा वली नहीं है, तुम्हारा वली सिर्फ अल्लाह है। इन्नमा इसका फायदा नहीं देता कि सिर्फ हमारा वली अल्लाह है, ये भी तो कोई कह सकता है नहीं। इसका तर्जुमा अगर यूं किया जाए कि सिर्फ हमारा वली अल्लाह है, और अगर हम सिर्फ ये तर्जुमा कर दें कि सिर्फ हमारा वली अल्लाह है, तो आप यकीन मानिए जितनी आबादी दिखाई दे रही है ना कोई नजर नहीं आएगी। इसलिए अभी जब आप वली का मतलब आएगा सामने तो खुद ही बात वाज़ेह हो जाएगी। लिहाजा तुम्हारा वली अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह है, कोई दूसरा नहीं है। यही पे बात अल्लाह ने तमाम नहीं की, इसलिए कि अल्लाह ने आवाज दी हम पर्दे में है तुम पर्दे से बाहर हो, कोई जरूरत पड़ गई कुछ समझाना हुआ तो कैसे समझ पाओगे। लिहाजा अज़ीज़ाने मोहतरम अल्लाह ने आवाज दी कि तुम्हारा वली सिर्फ अल्लाह है व रसूलहू और उसका रसूल, तो कितने हो गए? दो। तुम्हारे वली कितने हैं? अल्लाह और उसका रसूल। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए वो लोग वली हैं। अज़ीज़ान ने बताया पहली मंजिल अल्लाह एक, तुम्हारा वली अल्लाह कोई बहस नहीं। दूसरी मंजिल व रसूलहू और उसका रसूल, रसूल कितने? क्यों बेटा मालूम है रसूल कितने? शाबाश शाबाश, रसूल 313। क्या सब वली हैं? नहीं, व रसूलहू ये भी वाहिद का सिगा है। इसका मतलब हुआ कि रसूल फकत हमारा रसूल जिसका हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम तीसरी मंजिल, एक सलवात पढ़े मोहम्मद। तीसरी मंजिल वल्लज़ीना आमनु, वल्लज़ीना वाहिद नहीं है ये जमा का सेवा है। वल्लज़ीना आमनु और वो लोग जो ईमान लाए, इसका मतलब ये कोई एक नहीं है दो नहीं है, दो से ज्यादा कम से कम।
दादा अब वो लोग जो ईमान लाए, ईमान कौन नहीं लाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह लिया, सब ईमान लाए या नहीं लाए? तो इसका मतलब जितने ईमान लाए सब वली हो गए भाई। हम लोग तो जो कि घर से ईमान पा लिया है ना, लाए नहीं है। चलिए हम उसी दौर में चलते हैं कि जो जो ईमान लाया वो सब वली हो गए। तो फिर कहने दीजिए कि जब इतने ज्यादा वली हो गए तो जो ईमान लाया सब वली हो गए, तो जितने मुसलमान हैं मानना पड़ेगा सब वली हो गए। तो इस कैद की, इन नमा की जरूरत ही नहीं थी। हे अल्लाह कह रहा तुम्हारा वली सिर्फ अल्लाह है, रसूल है। सिर्फ जब सिर्फ लगा दिया तो तमाम मुसलमान जब वली हो गए, जो ईमान लाया वो सब वली हो गए। वल्लज़ीना आमनू के ज़िम्न में आके तो अब फिर इस कैद की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अज़ान बताओ, अल्लाह ने कैद लगाया है और उसके बाद कहा है कि वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, इसका मतलब है कि वो सब नहीं मुराद है। अगर हम सबको मान लें तो मसल अपनी जगह सही हो जाएगी। पीर खुद ही मोहताज, सही बात है या नहीं? सब पीर साहब बन गए तो मुरीद कौन बनेगा? लिहाजा जाने मोहतरम, सिर्फ अल्लाह वली रसूल वली और वो लोग जो ईमान लाए, सब जब ईमान साहिब ईमान वली हो गए तो अब कोई मुरीद रहा ही नहीं। लिहाजा इसका मतलब है कि अल्लाह के कलाम को हमें समझना पड़ेगा। यहां कोई बात और है, आवाज दी कुरान ने। कैसा ना समझना कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लिया बस वो वली हो गया, वो मोमिन हो गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आजो इधर, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई इनको टेकने की जगह दें आप, इनको टेकने की, भाई थोड़ा ख्याल रखा करें, ऐसी सीटें खाली रहना चाहिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहतरम, कुरान ने आवाज दी, देखो तमाम मोमिन जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह लिया, क्या समझते हो सब मोमिन हो गए? नहीं, कुरान ने आवाज दी, कालतिल आराब आमन्ना, अरब ने कहा हम ईमान लाए, या आराब ने कहा, बद्दुओं ने कहा हम ईमान लाए। जब वो ईमान लाए तो उन्होंने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही तो कहा, इसके अलावा कुछ कहा? लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? जब इन्होंने कहा कि हम ईमान लाए तो अल्लाह ने क्या कहा? मेरे हबीब कह दीजिए, कुल लम तूमिनू, तुम ईमान नहीं लाए। इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह लेना, ये ईमान नहीं है। फिर क्या ईमान है जाने मतलब? और जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, ये क्या है? ईमान है या नहीं है? कुरान ने कह दिया लम तूमिनू, तुम ईमान नहीं लाए। जब उन्होंने दावा किया कि हम ईमान लाए तो कुरान ने कहा तुम ईमान नहीं लाए। तो अजीजान मोहतरम, फिर वो क्या था? बेचारे घबरा गए होंगे ना, हमने अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ा, हमने अपने खानदान वालों को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, इधर गए उधर गए, सब जगह छोड़ दिया, इधर चले आए, ये कह रहे अभी तुम ईमान ही नहीं लाए, आखिर फिर क्या कहे? कुरान ने सहारा दिया, घबराओ नहीं, वलाकिन कुलू असलमना, तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान से बहुत से लोगों को अल्लाह ने अलग कर दिया, कि फकत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लेने से इंसान मोमिन नहीं हो जाता है, मुसलमान तो होता है मोमिन नहीं होता। और उसके बाद अल्लाह ने यह भी बता दिया कि देखो मोमिन कब हो जाओगे, तुम्हारे दिलों में तो अभी ईमान पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब है जो जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है, जब तक दिल में ना सलायत कर जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। जाने मोहतरम, थोड़ा सा ये भी कहता चलूं कि जब वो मोमिन नहीं है तो क्या है? अल्लाह ने कह दिया तुम ईमान नहीं लाए, तुम्हारे दिलों में अभी ईमान
पहुंचा ही नहीं। ईमान की शर्त है कि जबान से इकरार हो, आज़ा और जवारे से इजहार हो और दिल की गहराइयों से उसे मानता हो। लिहाजा ईमान ये है, जब तक दिल तक ईमान ना पहुंच जाए ईमान नहीं है तो फिर वो क्या है। इस बात है जब तीनों चीज जमा हो गई तो मोमिन हो गया, और जब तक तीनों चीज नहीं है तब तक क्या है। मुसलमान तो सब हैं, ये भी वो भी। भाई जो मोमिन हो गया वो मुसलमान नहीं है। आपसे सवाल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दिल तक अरे मैं सलमान अबू जान बगदाद ये सब मुसलमान नहीं थे, मैं इनसे अच्छा कौन मुसलमान हो सकता है। अरब वाले तो सुन के ईमान लाए, सलमान तो पहले से भागे चले आए। सलमान फारसी थे, सलमान मोहम्मदी हो गए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहज़ाज़ान मोहतरम, ये सब क्या थे? इसका मतलब ये है कि मुसलमान सब हैं, चाहे मोमिन हो। मोमिन के मुकाबले में एक जुमला आता है मुनाफिक, है? मुस्लिम के मुकाबले में काफिर, मुस्लिम के मुकाबले में काफिर है, मोमिन नहीं है। मोमिन इस्लाम वालों की तकसीम है, मुस्लिम कुफ्र और मुस्लिम की तकसीम है। जिसने मान लिया वो मुस्लिम, मैं काफिर का मतलब ही है इनकार करने वाला, मुस्लिम का मतलब है तस्लीम करने वाला। यानी जिसने मान लिया वो मुस्लिम, जिनने रसूल को नहीं माना वो काफिर, अल्लाह को नहीं माना वो काफिर। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम कुफ्र के मुकाबले में है, वो कुफ्र से निकल आए, लेकिन मोमिन मुनाफिक के मुकाबले में है। कुफ्र से निकल आए लेकिन अभी निफाक से बाहर नहीं हुए हैं। और ये मालूम है कि मस्जिद में जब सहाबाए किराम सब बैठते थे, अगर सब मोमिन हो गए थे तो ये मस्जिद ज़रार बनी क्यों? मस्जिद ज़रार बनी ही थी मुनाफिकीन की तरफ से, वरना मस्जिद जिसके लिए मुसलमान अपनी जान देता फिर रहा है, रसूल जाते अपने हाथ से गिरा देते। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाज़ीज़ान मोहतरम, इसका मतलब मुनाफिक थे मोमिन और मुनाफिक। और इसको पहचाना कैसे जाता था? उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मस्जिद में जब सब जमा होते थे और मोमिन और मुनाफिक सब रहते थे, और हम ये चाहते थे असहाब कि हम पहचाने कि इसमें मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है, तो जिक्र अली इब्ने अभी तालिब किया करते थे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह मोहतरम, मोमिन वली कौन है? लेकिन अभी भी गुंजाइश ज्यादा है दाखिल होने की लोगों की। अल्लाह तो महदूद कर रहा है विलायत को, लेकिन जो बात कही उससे गुंजाइश ज्यादा है। मुसलमानों को हमने अलग कर दिया, सिर्फ मोमिनीन को ले लिया, तो माबूद क्या दो चार? भाई सलमान अबू जर बगदाद अम्मार ये जितने हैं सहाबाए किराम और जितने हैं ये सब क्या हैं? है ना, तो सब वली हो गए। हम सब की बात नहीं करेंगे, सिर्फ दो की बात करेंगे, एक सलमान की एक अबू जर की। इन्होंने कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह के जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा है। सलमान पहले से अपने बाप की मार खाया करते थे लेकिन अल्लाह को मानते थे। कहीं रसूल ने ऐलान नहीं किया था फारस में सलमान मोमिन था। अबू जर भी बुलाने पर नहीं आए हैं, बल्कि जब अपने खुदा के सामने उन्होंने अपनी नजर पेश की और खुदा ने नहीं खाया, एक कुत्ता आके खा गया, मूड खराब हुआ। लेकिन शैतान तो हर जगह रहता है ना, कहाँ शैतान रहता मालूम है जी? आप लोग जानते हैं शैतान कहाँ रहता है? भाई शराब खाने में, जुए खाने में, वहीं रहता है ना जी? नहीं, वहाँ नहीं रहता,
वहां नहीं रहता, कहीं यहां टहल रहा होगा, मस्जिद में रहता है, मस्जिद के गेट पर खड़ा है, मस्जिद के अंदर घुस जाता है, ये कैसे नमाज पढ़ रहे, तुम ऐसी वाली पढ़ो, मस्जिद के गेट पर रहता, वहां अभी तो चलो हो जाएगी, मस्जिद में थोड़ा टहल के घूम लो, उसके बाद मस्जिद में तो बैठ ही लेंगे, तो शैतान इन जगहों पर है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, भाई शैतान का काम क्या है, लोगों को बहकाना। जो बहके हुए शराब खाने में बैठे हुए हैं, क्या उन्हें बहका के लाएगा चलो मजलिस, यहां से बहका के ले जाएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, जाने मोहतरम। तो बहुत से वली हो जाएंगे, फिर भी जनाब अबू जर ने जब नजर पेश की, नजरानी थी कोई बुद्ध के सामने रखा, उसने नहीं खाया, एक खा ले मेरी नजर पूरी हुई है। आप अंदाजा लगाएं, कहीं भी कोई जाता है नजर मानता है, नजर तो पूरी ही होती है, कैसे पूरी होती है वो अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है, या आप लोग अगर थोड़ी सी थोड़ा सा तवज्जो करें तो पता चल जाएगा कि कैसे पूरी हो जाती है। जाहिर सी बात, उसे मिलना है, पूरी हो जाती है तो सोचता है इन्होंने हमको दे दिया, जबकि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। लिहाजा जाने मोहतरम, नजर पूरी हो गई, हलवा ले गए, खा ले नहीं खाया, हट गए, शायद शर्म आती हो हमारे सामने खाने में, छोड़ के चले गए, तब भी नहीं खाया। थोड़ी देर बाद एक नजीस जानवर आया, उन्हें खा लिया, भटकने वाला, उसने खा लिया। भाई शैतान तो पीछे पीछे लगा था ना, फौरन समझाया, बस सही तो है, अल्लाह राजिक है, सबको रिस्क देता है, लिहाजा अल्लाह का खाना इसने खा लिया, क्या बुरा है, समझ में आ गया, चलिए साहब ठीक। लेकिन उसके बाद जो हादसा हुआ, आदत के मुताबिक टांग उठाया उसने और उस बुत के ऊपर, ये खुदा नहीं हो सकता। वह जनाबी इब्राहिम का कौल भी यही तो था कि जब नालियों में ढकेलते हुए ले जाते थे और यही ऐलान करते थे, कौन है जो इन खुदाओं को खरीदे, जो ना अपनी हिफाजत कर सकते हैं ना अपने को बचा सकते हैं। शायद यही जुमला जनाबे अबू जर के जहन में आ गया, हमारा ये तो ना खा सकता है ना पी सकता है ना अपनी हिफाजत कर सकता है ना अपने को बचा सकता है, तो फिर कैसे खुदा, छोड़ के चले आए और ईमान ले आए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन दो ईमानदारों की बात करूंगा, ईमान वालों की, उनकी बात नहीं करूंगा कि जिनके लिए रसूल ने आवाज दी कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहु, सब भाग गए। रसूल कह रहे हैं अच्छा मौजजा दिखला दीजिए, कोई बात दिखलाइए, कोई सबूत दीजिए, चांद के दो टुकड़े कीजिए, दो टुकड़ा कर दिए तो जादू आसमान तक चलता है, इनका नहीं मानना। लेकिन सलमान और अबू जर इनसे रसूल कहने नहीं गए थे ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इन्हें पता लगा और ये लोग आ गए। लिहाजा सिर्फ इन्हीं दो मोमिनीन की बात करूंगा, क्या ये लोग वली हैं, छोड़ दीजिए और सबको, इन नमा वलियकुमुल्लाह, इन दोनों के और भी हैं बहुत से, ऐसा नहीं सिर्फ ये दो हैं, लिहाजा ये दो आपको याद हैं, एकदम सरे फहरिस्त इनके नाम आते हैं। लिहाजा अल्लाह ने आवाज दी नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, तो ये लोग ईमान लाए, तो क्या ये लोग विलायत में शामिल हैं, आप इनको वली मानते हैं? जी नहीं, सिर्फ सहाबी मानते हैं, रसूल का सहाबी मानते हैं, वली ने ईमान नहीं लाए, क्या ईमान लाए, इसलिए कि कैद और आगे लगी हुई है। अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं है कि जो ईमान लाया वो सब वली हो गए, बल्कि यकीमून सलात, नमाज पढ़ता हो, यहां लोग तर्जुमा करते हैं नमाज कायम करता हो, नमाज तो अल्लाह ने भेजी, रसूल ने कायम कर दी, नमाज पढ़ता हो और जो कुरान की एक आयत है जिससे वजूबे नमाज साबित होता है उसमें यही है अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, लिहाजा यहां पढ़ता हो,
तो जो नमाज पढ़ता हो कौन मुसलमान है ऐसा जो नमाज नहीं पढ़ता? सब पढ़ते हैं, सब मोमिन है, सब वली हो गए। ये अलग बात है कि वो कैसी नमाज पढ़ता हो। भाई नमाज अलग अलग है, है? कोई ऐसी नमाज पढ़ता है कि अगर रसूल सजदे को तूल दे दे तो सर उठा उठा देखने लगता है। कोई ऐसी नमाज पढ़ता है पैर से तीर खींच लिया जाए पता नहीं चलता। अजीजो यही नहीं, कर्बला में सब मुसलमान थे, एक तरफ नमाज पढ़ी जा रही थी एक तरफ से तीर बरसाए जा रहे थे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। लिहाजा नमाज पढ़ता हो। लिहाजा अजीजान मोहतरम इसमें भी बहुत से, अच्छा चलिए इसका तर्जुमा थोड़ी देर के लिए हम कर रहे हैं, नमाज कायम करता हो, फिर चलना पड़ेगा इब्तदाई तारीख में। नमाज कायम करता हो, किसने नमाज कायम की? या अली जंग हो रही है, आपने इसमें मुसल्ला बिछा दिया, कहा इसी नमाज का कयाम ही के लिए तो जंग कर रहा हूं। अजान मोहतरम तो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए ना, नहीं अब कयाम आइए दिखाते हैं। खिलाफत अव्वल, पहली खिलाफत का दौर है, मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे रात में रमजान का महीना, देखा कुछ लोग मस्जिद में कुछ कर रहे हैं। क्या हो रहा भाई मस्जिद में? वो तरावी हो रही है, या खलीफे अव्वल तरावी हो रही है। बड़ा मूड खराब हुआ, ये तो रसूल बंद करवा चुके थे, ये तो बिदात है। समझे ये कि अली हमसे अलग हो गए हैं, अली के चाहने वाले अलग हो गए हैं, शायद अब ये लोग मस्जिद में मिलके अकेले। भाई जो लोग कहीं अंजुमन अंजुमन से अलग हो जाते हैं दूसरी अंजुमन बना लेते हैं ना, ये तो आप यहां बड़ा देखते ही रहते हैं, एक अंजुमन दो अंजुमन एक ही मोहल्ले में तीन तीन चार चार अंजुमन हो जाती है, तो शहरों में आप जाके देखें। लिहाजा ने मतलब सोचा कि शायद अली और अली वाले ये मस्जिद में बैठ के ये तरावी पढ़ रहे हैं, तरावी तो बिदात हो चुकी है, बंद हो चुकी है, ये बिदात है। बड़े ही तमतराक से मस्जिद में दाखिल हुए और जब वहां पहुंचे तो ना अली थे ना अली वाले, कौन था ये नाम नहीं लेना है। लेकिन अज़ान मोहतरम अगर आप लोग तरावी जानते हो तो क्या है जो जुमला है खलीफे अव्वल का? ठीक है बिदात तो है लेकिन बिदात हसना। ये बिदाते हसना क्या है? क्या करें, नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, कुरान ही तो पढ़ रहे हैं। लिहाजा किसने कायम की? आप लोगों को नाम मालूम है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, अभी दूसरी नमाज बताऊंगा तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। आज तक रमजान में 12 या 20 रकत, 20 रकत है, इधर ईशा की नमाज खत्म हुई 20 रकत नमाज पढ़ी जाती है, ये किसने कायम की? जिसे खलीफे अव्वल ने पहले तो कहा था बिदात, बाद में कहा बिदाते हसना। आखिर बिदात बिदात है, चाहे बिदाते हसना हो चाहे बिदाते सैया हो। लिहाजा अज़ीज़ाने मोहतरम तब से चली आ रही है और आज तक चल रही है 20 रकत नमाज। नमाज कायम की या नहीं कायम? अच्छा चलिए और देखते हैं। सो रहे थे, एक मर्तबा कनीज ने आके कहा अस्सलातो खैरुम मिनन नौम। बड़ा अच्छा जुमला है, जाके मुअज्जिन से कह दो अजान में कहे अजीजो सोते सोते कह दिया आज तक ढोया जा रहा है। और 1,25,000 हाजियों के बीच में बिलाल ने अल्लाह के हुक्म से रसूल के हुक्म से हय्या अला खैरिल अमल कहा, वो नहीं किसी को याद है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं अल्लाह ने मोहतरम हुआ, फिर भी नींद आती है ना, आदमी सो रहा हो तो नमाज वाजिब नहीं, जब जग गया ना तो वाजिब हो गई। अगर जग के कोई सोता रहे तो अब यहां पर गुनाह है, और अगर सूरज निकल आया तो जाहिर सी बात है कजा है कि नहीं है। अगर कोई कहे हाँ ये बड़े नमाजी हैं, बड़े नमाजी हैं, क्या नमाजी हैं,
तीन बजे तक बैठ के इंटरनेट से खेलते रहते हैं, चार बजे सो गए, उठेंगे कै बजे? दस बजे। बड़े नमाजी हैं, दस बजे उठते हैं तब भी नमाज पढ़ते हैं। वही हाल कुछ था, वही हाल वहां था। एक दिन कनीज ने कह दिया सलातो खैरुम मिनन नौम, आज तक कहा जा रहा है। और अजीजा ने मतलब उसके बाद भी आंख नहीं खुलती थी, लेकिन जब उठते थे तो नमाज छोड़ते नहीं थे। आज चाहने वाले भले कह दे अब तो सूरज निकल आया, नमाज कजा हो गई, ना पढ़े, लेकिन अजीजा ने मोहतरम पढ़ते जरूर थे। एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, सूरज चढ़ चुका था। एक नमाज पढ़ी जाती है, हम लोग यहाँ उतना राइज नहीं है, जब हज करने जाइए ना तो वहाँ हर तरह की नमाज दिखाई देती है। यहाँ तो पांच ही वक्त नमाज होती है, अजान पांच वक्त होती है, वहां तो छह सात मैंने सुना है। पहुंचे, अजान होने लगी, अब सब परेशान, अरे उठिए 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 उठिए, यहाँ अभी पहुंचे थे, नींद आई थी, अभी तो आए हैं बारह बजे, इतनी जल्दी कैसे अजान का वक्त हो गया। लेकिन चूंकि अब हज करने गए हैं ना, कभी चाहे नमाज ना पढ़ी हो, अब खाम मक्के में अगर मौजूद हैं, है अब हम सो रहे हैं, मौलाना जूदी साहब थे वो भी सो रहे थे, अरे भाई मौलाना लोग तो, मौलाना लोग तो, मौलाना लोग तो, इतने जुमले कसी हो रही थी कि जैसे मौलाना लोग नमाज पढ़ते ही नहीं। आखिर मजबूरन जूदी साहब काफिला सालार थे, वो भी उठ गए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने एक बार घड़ी देखी, उनका अभी कहां से टाइम हो जाएगा, ज्यादा हम सोए रहे। लेकिन आखिर जब वो लोग सब नमाज पढ़ चुके तो अब मेरा नाम ले लेके, क्या भाई संगीत साहब नमाज कजा ही कर देंगे क्या आप? आखिर मजबूरन मैं भी उठा। हालात से पता चल जाता है कि अभी रात है। लिहाजा जिजान मोहतरम हमने जाके जाए गए, पहले बरस वगैरह किया, फ्रेश हुए और सब जुमले कसी कर रहे, देखिए नमाज कजा ना हो जाए, नमाज कजा ना हो जाए, कोई घड़ी नहीं देख रहा है कै बजे। और इत्मीनान से फ्रेश होकर वजू वजू करके आए और इतने में फिर अजान शुरू हो गई। ये कौन सी अजान? लेकिन अब तो कह के अजान दी ना, अजान सुबह, अजानुल फज्र, हाँ ये कौन से, वो कौन सी अजान थी? मालूम वो अजान तहज्जुद थी, जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं होती। लिहाजा अजान मतलब हमारा जो होती है उसको तो हुकूमत बंद करने पर तुली हुई है, तो अगर तहज्जुद वाली होने लगेगी ना तो मुसलमान मार के भगा दिए जाएंगे, जो तो आधी रात में चिल्लाने लगते हैं। लिहाजा अजान मतलब अजान तहज्जुद, एक नमाज है नमाज इशराक, कभी सुनी है आप लोगों ने? वहां पढ़ी जाती है, हमारे हिंदुस्तान में भी पढ़ी जाती है। मर्द जानते हो या ना जानते हो, औरतें बड़ी पाबंदी से पढ़ती हैं, इलाहाबाद में देखा है और जानती भी हैं, हो सकता है मर्द भी जानते हो, आप लोग नहीं जानते लेकिन आप लोगों को बता दूं। लिहाजा सो के उठते थे, नमाज छोड़ते नहीं थे, चाहे दस बजे उठें चाहे आठ बजे उठें। लिहाजा एक दिन नमाज पढ़ रहे थे कि एक चाहने वाला मिलने आ गया, दरवाजा खटखटाया, कनीज दरवाजे पर पहुंची, कहा हजरत क्या कर रहे हैं? कहा नमाज पढ़ रहे हैं। खामोश हो गया, खड़ा रहा। जब नमाज खत्म हो गई तो एंट्री मिली, जब बैठे तो अब पहला सवाल कि हजरत ये कौन सी नमाज थी, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ी ही नहीं, अब कैसे बता दें कि हम सोते रह गए थे, ये सुबह की थी, कजा पढ़ रहे थे। लिहाजा कुछ नहीं समझ में आया, आवाज ये नमाज इशराक। इशराक जब शुआएं बुलंद होती हैं उसे कहते हैं वक्ते इशराक। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम उसी दौर में ये एक नमाज भी कायम हुई, वाकीमुस सलात। भाई और किसी ने ऐसे नमाज कायम की है? एक सलवात तो है मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम ऐसे नमाज कायम करने वाले मौजूद हों तो सब वली हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा नहीं ठहरो, वह आतुस ज़कात, ज़कात भी देता हो। कौन मुसलमान ज़कात नहीं देता? अज़ीज़ान मोहतरम खास तौर से नौजवानों के लिए, हमसे सवाल किया जाता है, नौजवान सवाल करते हैं कि मौलाना ये बताइए तनख्वाह पर ज़कात वाजिब क्यों नहीं है हमारे यहां? तनख्वाह मामला नहीं है, मामला पहले देखिए कि आप पर वाजिब क्या है, उसे अदा कीजिए। बार बार कहता हूं खुम्स वाजिब है, वो नहीं समझ में आता। अब जो बचत पर है वो समझ में नहीं आता, आमदनी पर देने के लिए खड़े हुए हैं।
पूछना है काहे नहीं होता। तो आज सुनने अज़ीज़ाने मोहतरम, ज़कात पैदावार पे है, हर चीज पे ज़कात नहीं है। सोने चांदी पर ज़कात है, बता दिया, गाय भैंस, गाय बकरी ऊंट भेड़, वह बता दें आप लोगों को, शायद रन्नों के यहाँ के बहुत से लोग ना जानते हो, हो सकता है उस खानदान का यहाँ कोई बैठा हो। एक जनाब आए, वो ज़कात का मसला बयान कर रहे थे, और जब भेड़ बकरी की ज़कात का मामला आया तो उन्होंने कहा कि क्या होगा ये बयान करके, हम लोगों के यहाँ कहाँ कोई इतनी भेड़ बकरी पालता है। एक जमींदार खड़ा हो गया, सरकार आप बयान करें, हमें मालूम होना चाहिए। उन्होंने बयान कर दिया, अगले साल ईद के दिन वो दो भेड़ का पकड़ा दबाए हुए आए मौलाना के पास। मौलाना ने ये क्या कहा, हुजूर जब आपने कहा था उसी दिन मैंने बकरी का गल्ला खरीद लिया, उसी दिन मैंने भेड़ का गल्ला पूरा खरीद लिया, ये उसकी जकात लेके आया हूं। कौन था बता दूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये हैदर साहब है, नहीं इन्हीं के वालिद सरपंच सैयद खान। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई बहुत बड़ी पुरानी बात नहीं है अजीजान मोहतरम, फकत शरीयत में हौसला चाहिए। भेड़ बकरी खरीदने की जरूरत नहीं है, जो गेहूं पैदा होता है उसी में ज़कात निकाल दो, अल्लाह वही कबूल करेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ज़कात, ज़कात देते हैं कि नहीं देते, मैं कुछ ना देते हूं लेकिन ईद के दिन जरूर देते हैं। तो सब आ गए, यहां नहीं देहात में नहीं पता चलता, हमारे कमर भाई बैठे हुए हैं, रमजान के महीने में लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के फकीर इलाहाबाद में जमा हो गए, और इलाहाबाद ही में नहीं, हम तो करेली में रहते हैं, पूरा मुस्लिम एरिया लगता है कि पूरे फकीर इसी तरफ ढकेल दिए गए हैं। 15-15 की टोली चली जा रही है, 20-20 की टोली चली जा रही है, दरवाजा खटखटा खटखटा के, भाई ज़कात दे दीजिए, और दिखाई भी देता है भाई फला साहब के यहां लाइन लगी हुई है, फला साहब के यहां, दो चार घर हैं ऐसे जहां लाइन लगी हुई है। क्या हो रहा साहब, ज़कात बट रही है, ज़कात बट रही है, ज़कात बट रही है। अजीजों आपसे सवाल है, ज़कात किसका हक है? है गरीब का हक है ना, तो आपको यह हक किसने दिया है? अच्छा किसकी जिम्मेदारी है, गरीब आए ले जाए या आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहुंचाएं? जी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम गरीब के यहां पहुंचाएं, लेकिन हमने अपने दरवाजे पर लाइन लगवा दी, दुनिया देख ले हम ज़कात बांटते हैं। अजीजों गरीबों की ये तौहीन करने का हक किसने दिया? अली हाकिम थे लेकिन रात में अपने कंधों पर ले जाकर रोटियां देते थे, और पता भी नहीं चलता था कौन देके गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़कात देता, वैसे ज़कात देने वाले हैं ना, अल्लाह ने कहा ठीक है दे लो सब चाहे जैसे ज़कात दो, एक कैद और लगा दी, नमाज कायम करता हो, ज़कात देता हो, वहुम राकिऊन, ज़कात कैसे देता हो, हालत रुकू में हो। अजीजों जब ये कैद लग गई तो अब कितने निकले, बाटी अंगूठियां, लेकिन आयत फकत एक बार उतरी, जिसने देख के बाटी कुछ ना मिला, जो बगैर देखे हुए ज़कात दे दे ताजे विलायत मिल गया। लिहाजा अज़ीज़ाने मोहतरम जब यह आयत नाजिल हुई, वहां लोग कहते हैं ना वाजिब नमाज, जमात हो रही थी, जमात वमात नहीं हो रही थी, इसलिए कि जिन लोगों ने सुना है कि जमात हो रही थी और अली ने हाथ बढ़ा दिया, वो भी सबको डांकता हुआ चला गया, जाहिर सी बात है कोई फकीर आया था तो मुसलमान ही रहा होगा, मस्जिद के दरवाजे पर आएगा तो बाहर खड़े रहेगा, अभी नमाजी निकलेंगे तो मिलेगा, तो देखते हैं कि नहीं हिम्मत नहीं है कि मस्जिद में घुस जाए और नमाज हो रही हो। लिहाजा अज़ीज़ाने मोहतरम अगर ये भी ना माने तो अली ने कैसे सुन ली आवाज,
जब इतने नमाजियों ने नहीं सुनी, सबने सुनी, वो अल्लाह से मांग रहा था, या अल्लाह तेरे दर पे आया हूं, या अल्लाह तेरे दर पे आया हूं। ए मुसलमानों, पहले जो दो तीन बार कहा, किसी ने नहीं सुनी। जब उसने कहा अल्लाह तेरे घर से वापस जा रहा हूं, तो जाकिरीन पढ़ते हैं अली अल्लाह की बारगाह में हाजिर थे, उन्होंने सुन लिया, अपना हाथ बढ़ा दिया, तो क्या रसूल ने नहीं सुना होगा? अरे भाई आगे आ जाए, सलवात पढ़े मोहम्मद, इधर जगह है। राजा क्या रसूल ने नहीं सुना होगा? तो रसूल ने क्यों नहीं जकात दी? मर रसूल देते जकात, सब देख देख के देने लगते। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, इसका मतलब है कि रसूल वहां नहीं थे। और ये बयान है जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी का कि मैं रसूल के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ, देखा एक फकीर निकल रहा है। रसूल ने पूछा, भाई कुछ मिला तुझे? उन्हें एक अंगूठी दिखाई। भाई अंगूठी मिली, किसने दिया? उसने एक नमाजी की तरफ इशारा किया। आखिर रसूल ने कहा, अच्छा ये बता कि जब उसने यह अंगूठी दी तो किस हालत में था? फकीर ने कहा हालत रुकू में था। रसूल मस्जिद में आए, एक मरतबा अजीब तेवर है सवाल करने का कि बताओ किसने अंगूठी दी, किसने ज़कात दी? लोगों ने समझा आज तो मजा आ गया, अली फंस गए। वह किसी दोस्त ने यह नहीं समझा, इसलिए कि दोस्त तो जानता है कि अली गलती कर ही नहीं सकते। अजीजो, एक दोस्त ने हल्की सी गलती की थी, इंशाल्लाह अगर वक्त रहा तो वो भी बयान करूंगा। हल्की सी गलती नहीं की थी, थोड़ी सी चूक हुई थी उससे, भले मजमे में मौला ने डांटा था। लिहाजा अजीजान मोहतरम, अगर जब रसूल ने पूछा किसने दिया, दोस्त समझिए अली से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, अली मासूम है, हमने मासूम माना है, मासूम से कोई गलती नहीं हो सकती। लिहाजा जैसे ही रसूल ने पूछा बताओ ये अंगूठी किसने दी, भी किसने दी, सबने कहा अली ने दी, अली ने दी, अली ने दी। ये तो दोस्तों का हाल था, लेकिन दुश्मन समझे कि आज अली फंस गए। उन्होंने भी जल्दी जल्दी कहा अली ने दी, अली ने दी, अली ने दी। अजीजो, अल्लाह के घर में फकत कुछ नहीं था, अली अली हो रहा था। एक सलवात पर मोहम्मद वाले में। और जब सबसे इकरार ले चुके, आवाज दी, इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व यूतूना ज़कता व हुम राकिऊन। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, एक बार घड़ी देख लूं, उधर भी पता नहीं क्या हाल है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मोहम्मद मोहतरम, चूंकि उधर अभी तैयारी नहीं है, लगता है थोड़ा और हमको खींचना पड़ेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजो, वली का मतलब क्या होता है? वली यानी, समझा कभी आपने? रसूल ने एक ही बार बताया है, बार बार नहीं बताएंगे कोई चीज, भाई एक बार बता दिया। वली का मतलब, सवा लाख हाजियों को मजमे में बताया है, बताया नहीं है बल्कि सवाल किया है। जब गदीर खुम पर रुके हैं हुजूर, तो एक सवाल किया है और एक ही हुक्म दिया है। सवाल क्या था? सवाल यह था कि जब खुतबा हयाला खैरिल अमल हो गया, खुतबा दे चुके, और खुतबे के दरमियान बता दिया कि अब हम तुम्हारे दरमियान नहीं रहेंगे, दो गिना कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, इनसे मुतमस्सिक रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। लिहाजा जब ये सब बता चुके, तो एक सवाल रसूल ने किया, एक सवाल और बस। अलस्तो औला बिकुम अनफुसकुम, क्या तुम्हारे ऊपर तुमसे ज्यादा साहिब तसर्रुफ मैं नहीं हूं? पूरे मजमे ने कालू, सब ने कहा बला या रसूल अल्लाह, हमारी जान पर हमसे ज्यादा आप अख्तियार रखते हैं। और जैसे ही ये कह चुके सब, आवाज दी, बन कुन तो मौला फहाजा अली। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। अच्छा
अल्लाहम। अब अगर आप समझ चुके हो वली का मतलब औला बिद तसरुफ, हमारी जानों पर हमसे ज्यादा साहिब अख्तियार, यानी हमारी जान हमारे कब्जे में नहीं है, वो रसूल के कब्जे में है। हमारी जान पर हमसे ज्यादा रसूल को अख्तियार है, या लफ्जों को बदल के कहें, हमारी जान पर हमसे ज्यादा हमारे वलियों को अख्तियार है। अब अगर वली कह दे तंदूर में चले जाओ, अगर वाकई मानों में नहीं मानता होगा हमें जलाना चाहते हैं, और जब मानने वाला होगा यह भी ना पूछेगा नालायन उतार दूं, सामान उतार दूं, हारून तनूर में चले जाओ, पूछा भी नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाह ने मोहतरम कैसा होना चाहिए। एक वाकया तारीख का, और उसके बाद जहमत तमाम रफ्ते मसाइल, इसलिए कि तकरीबन मजलिस पूरी हो चुकी है। आपने नाम सुना होगा सुलेमान सुरद खुजाई, नाम सुना है कि नहीं आपने? यजीद के बाद कूफे का जेल तोड़कर निकल के या ले सारातुल हुसैन की आवाज देने वाले सबसे आगे आगे, और उसके बाद लड़े कत्ल किए गए, वो तारीख पर नहीं जाना है। इब्तिदा जब जंगे जमल हुई है तो मौलाए कायनात ने, वली का मतलब समझे, मौलाए कायनात ने इमाम हसन को कूफे भेजा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जाके वहां से खुतबे दिए, वहां पर तकरीरें की, लोगों को जमा किया, 10 से 12 हजार तक का लश्कर तैयार हुआ और इमाम हसन लेके आए और जंगे जमल में मुत्तसिल हो गए। उसमें ये शख्स जो चाहने वाला था सुलेमान सुरद खुजाई, ये नहीं गए। कौन बुलाने आया था? इमाम हसन। और उसके बाद इमाम हसन बुलाने आए हैं और मौला अली ने बुलाया है और नहीं गए, कैसे मोमिन थे साहब, कैसे अली के चाहने वाले थे? नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम, जब जंग खत्म हो गई मौलाए कायनात कूफे आए, कूफे में खुतबा दिया, कूफे वालों की तारीफ की। देखिए 12 हजार कूफे वाले गए हैं वहां जंग लड़ी, कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई मारा नहीं गया, सब बच गए। लेकिन एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अली वहां से हट जाओ, तकिया दो, टेक लगा लेना अब्बास भाई, अजीजो कोई कत्ल नहीं हुआ। लेकिन मौलाए कायनात ने कूफे वालों की तारीफ की, और उसी मजमे में एक मरतबा सुलेमान की तरफ मुतवज्जे हो गए, भाई तुम क्यों नहीं आए? खड़े हो गए, मौला नहीं आया, इसलिए कि दोनों तरफ मुसलमान लड़ने वाले थे। भाई इसका मतलब है कि विलायत समझे ही नहीं। जो लोग ज्यारत करने गए हैं वाकया बयान कर दूं, और जो लोग फिर जाएंगे ज्यारत करने के लिए उनके लिए खास तौर से मशहद में एक मजार है, दो तीन जगह है ना, एक इमाम का रोजा है, ख्वाजा मुराद है, अबासल्त है, दोनों इधर पहाड़ की तरफ, एक कब्रस्तान है उसमें एक रोजा और बना हुआ है, क्योंकि पिकनिक के तौर पर लोग जाते हैं शबे जुमा कब्रस्तान में जाते हैं चिराग वराग जलाने के लिए, लिहाजा अब जो वहां ज्यारत करने के जाता है वहां कब्रस्तान है, वहां ख्वाजा रबी है। मैं गया, मैं भी एक साल ज्यारत की, जाके उनकी कब्र वगैरह का चक्कर लगाया, होंगे कोई, लेकिन जाहिर सी बात है ज्यारत का मजा तो तभी आएगा ना जब हम जानते हो ये कौन है। भाई जो मजा जरी का चक्कर लगाने में है वो किसी का मजार का चक्कर लगाने में मजा आएगा? वह वहां आते हैं कहूंगा पता तो होना चाहिए ये है किसकी कब्र। मौलाना मिर्जा जावेद रजा साहब हाफिज नहजुल बलागा, एक आदमी हिंदुस्तान में ऐसा भी है कि जिसको पूरी नहजुल बलागा याद है, मिर्जा जावेद साहब,
ये पश्चिम के रहने वाले हैं, सहारनपुर वगैरह के, मजलिस भी अच्छी माशाल्लाह पढ़ते हैं। थोड़ा उनसे मैंने इल्म भी हासिल किया था, कुछ किताबें जो यहाँ छूट गई थी हिंदुस्तान में नहीं वो पढ़ी थी। इत्तेफाक से दूसरी बार जब मैं गया तो वो साथ में थे, पूरे ग्रुप था। वहाँ जब पहुँचे तो हमने कहा मुल साहब ये बताइए ये किसकी कब्र है। बोले ख्वाजा रबी, मुझे ये थे कौन मालूम होना चाहिए ना। कहा ये बड़े पाए के आलिम थे। हमने कहा तब तो और कायदे से होनी चाहिए ना। क्या कायदे से होनी चाहिए? इसलिए कि ये जिंदगी भर यही तय नहीं कर पाए थे कि अली हक पर था या मुआविया। हम जो ये न तय कर पाए कि अली हक पर थे, जिसके लिए हदीस रसूल हो अल हक व माल अली व अली माल हक, हक अली के साथ अली हक के साथ माबूद हक को उधर ही उधर मोड़ना, जिधर अली हो। और उसके बाद ये कहना कि पता नहीं हक पर अली थे या मुआविया था। उन्होंने कहा लाहौल मिला कुत, मैं एक दिन ज्यारत कर ली बर्बाद हो गई। हजरत हमने कतान नहीं जाऊंगा, मैं खान हूं, आप लोग सैयद हैं, जा सकते हैं। एक सलवात तो है मोहम्मद वाले को। उसके बाद से उस कब्रस्तान में मैं जाता तो था, फातिहा पढ़ के आता था मुर्दों का, लेकिन उधर कभी नहीं पढ़ा। जिसने समझा ही नहीं कि कौन हक पर है उसका फातिहा पढ़ दूंगा, वहां मर गया मजदूर, ना फातिहा ना दरूद। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाज़रीन मोहतरम, सुलेमान तुम क्यों नहीं आए? क्या जवाब दिया? दोनों तरफ मुसलमान थे। मेरी समझ में नहीं आया कहीं मेरी तलवार से कोई कत्ल हो गया। हमारे जो अली के मुकाबले में आ जाए वो मुसलमान कैसा? लिहाजा मौलाए कायनात ने सख्त कहा, जुमले अदा किए उनके लिए। वहां तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो बड़ा गुस्सा आया। जब बड़ा गुस्सा आया बाजार में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया, देखिए आपके बाबा ने हमको भरे मजमे में कहा। और क्या कहा? कहा ये बहुत से लोग कूफे से नहीं गए थे, सिर्फ 12,000 थे कूफे में, बहुत से लोग कूफे से नहीं गए थे। आखिर हमारी क्या खता है? एक मतवा इमाम हसन ने आवाज दी, तुम्हारी खता कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ इसलिए कहा कि तुम अपने थे। लिहाजा अजीजो मौला जब मिलेंगे गैरों से नहीं सवाल करेंगे, आप अपने हैं आपसे पूछा जाएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और शायद इसी का नतीजा था कि जब इमाम हुसैन कत्ल हो गए और ये कैद खाने में थे कूफे की, मुख्तार तो आजाद कर दिए गए और शहर से निकाल दिए गए कि कूफा 3 दिन के अंदर खाली कर दो वरना कत्ल कर देंगे। कूफा छोड़ के चले गए, मक्के में गए, वहां अपनी तैयारी की, लेकिन ये लोग जेल ही में थे। जिस वक्त पता चला कि यजीद वासिले जहन्नम हो गया, जेल तोड़ के निकल आए। और फिर आलम क्या है, मुख्तार कहते रहे कि हमारा साथ दो, हम हुकूमत बनाएंगे, एक एक को चुन चुन के कत्ल करेंगे। नहीं या लसारातुल हुसैन, हम हुसैन के लिए जाके जान देंगे और कत्ल हो जाएंगे। और ये किया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शायद पूरे तौर पर अपने ऊपर लगे हुए धब्बे को धोया तो आज तक उनका नाम मिंबरों से लिया जा रहा है। और कहीं कहीं तो बाकायदा मुख्तारनामा होता है और उसमें बाकायदा एक दो मजलिस उन्हीं के नाम से हो जाती है कि कैसे जेल तोड़ा, कैसे निकले, कैसे गए, कहां पे जंग की, कहां पे कत्ल हुए। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अपनों से सवाल करेंगे। आप अगर गौर करें तो इमाम हुसैन ने करबला से किसको खत लिखा? और नहीं थे करबला में चाहने वाले, सिर्फ एक हबीब अपने मज़ाहिर थे, बहुत से थे, लेकिन जिनसे अपनायत का इजहार देखा। हानी इब्ने उरवा का हाल मालूम हो चुका था। और उसके बाद जब जनाब मुस्लिम ने ललकारा, दारुल अमारा के सामने पूरा कबीला जमा हो गया कि हानी इब्ने उरवा को छोड़ो। थोड़ा सा ललकारा गया कि शाम से फौज आ रही है, ये हो रहा, और डर के मारे सब भागे। लिहाजा हुसैन ऐसों को नहीं बुलाना चाह रहे थे।
बूढ़ा हो लेकिन साबित कदम हो। देख रहे हैं, चल नहीं पाते, यहां तक आके बैठे हुए, एक मुद्दत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा बूढ़ा हो, लायके एतमाद हो। और हबीब इब्ने मजाहिब कैसे थे, जिस वक्त जमात हो रही थी उधर से जुमला कुछ कहा गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, भला आपके जद के पीछे नमाज पढ़ेंगे, और सबसे निकल गए, जाके लड़े, शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने भी क्या लकब दिया, रजुलुन फकी, जिसने सही मानों में इश्तिहाद किया हो और इश्तिहाद करके अमल किया हो। अल्लाह अकबर। अजीजो, लिहाजा जो जान देने वाले जमा थे वो कैसे थे, कैसे लायक़े एतमाद थे, कि रात की तारीकी में जब हुसैन ने सब कुछ जमा किया, चिराग बुझा दिया, वली का मतलब क्या है, चिराग बुझा दिया, जाओ इन्हें सिर्फ हमारा सर चाहिए, हम कहीं भी पनाह ले लें, ये ढूंढ के हमें कत्ल कर देंगे, तुम अपनी जान बचा लो। हुसैन ने रुख्सत दे दी, इजाजत दे दी, हुक्म नहीं दिया था, अगर हुक्म दे देते कि तुम जाओ यहां से, इसलिए कि नजरों के इशारे से सलमान ने पहचाना था ये मौला का हुक्म है, तलवार रोक ली, बगदाद रुक जाओ, वरना अली के गले में रस्सी का फंदा पड़ जाए और सलमान खड़े देखते रहे, और जब अली के सर पे तलवार लेकर जालिम खड़ा था मस्जिद रसूल, सैयदा ने फरियाद की तो अली ने कहा, ए सलमान फातिमा से कह दो कि मैं देख रहा हूं मदीने का मगरिब और मशरिक, उत्तर और दक्षिण हिल रहा है, शमाल और जनूब हिल रहा है, बद्दुआ ना करें, ए सलमान नहीं देख रहे हो, अली के सर पर तलवार है। सलमान खड़े क्यों, नजरों का इशारा पहचानते थे। और करबला में इमाम कहने चले जाओ तुम लोग, हर आदमी बैठा हुआ है, और क्या सवाल है, मौला इससे अच्छी ड्योढ़ी बता दीजिए चला जाऊं, इसका मतलब है सबसे अच्छा आपको माना है। और वक्त असर यही इमाम आवाज दे रहा है, ए मेरे शेरो, ए मेरे दिलेरो, तुम्हें हुसैन आवाज दे रहा है, तुम लब्बैक नहीं कहते, कटी हुई गर्दनों से आवाज आ रही थी, मौला मौत ने मजबूर कर दिया है, जज़ाकुम रब्बकुम हाज़ादारो, अगर 70,000 बार भी कत्ल किए जाएं, मुझे जला दिया जाए और उसके बाद राख बना दिया जाए, फिर जिंदगी दी जाए, तो भी आपकी नुसरत से हम पीछे नहीं हट सकते, मौला मौत ने मजबूर कर दिया है। अल्लाह अकबर, कितना एतमाद था, कितना भरोसा था इन असहाब पर हुसैन को, कि आखिरी वक्त इन असहाब को आवाज दे रहे थे। ए अजीजो, जो खैमे में बहन थी उसको कितना भरोसा था, शायद आवाज दे रही हो, ए हबीब इब्न मजाहिर खेमे जल रहे हैं, ए मुस्लिम इब्न औसजा खेमे जल रहे हैं, ए भैया अब्बास खेमे जल रहे हैं, अजादारो बात को कुताह करते हुए करबला असर आशूरा खत्म हो गई। अब ज़ैनब का इम्तिहान शुरू, हुसैन का सरातन में जुदाई हुई, ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हुआ, और ज़ैनब ने इम्तिहान की पहली मंजिल पर कैसे कदम रखा, हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है, और मैं देख रहा था एक बीबी बार बार जलते हुए खैमे में जाती थी, बार बार आती थी, मैं समझा शायद कोई कीमती शय रह गई है, ए आज़ादारा ज़ैनब का पहला इमाम इम्तिहान बीमार भतीजा।
خیمے سے بھتیجے کو نکال کے لائی. عزیزو بیمار بیمار بیمار, ہم نے اتنا کہا کہ بیمار امام بنا دیا. کیا واقعی بیمار تھے؟ سوال ہے آپ سے بس اسی پر دو چار جملے اور آپ کی زحمت تمام. کیا واقعی بیمار تھے؟ عزیزو اگر آپ تاریخ کا باریک بینی سے جائزہ لیں تو دارالعمارہ میں جناب عباس فقط آگے آگے نہیں تھے, جناب سید سجاد بڑے بہادر تھے, برداشت نہیں ہوتا تھا کچھ. گھر میں اگر کوئی کنیز بھی سر کھلے آ جاتی تھی کتنا سخت امتحان ہے. عزادارو اس مصائب کو یہیں پر روک کے چند جملے, ہم نے جس امام کو بیمار بنا دیا ہے اس امام کی اس سال 1400 سالہ جشن ولادت سب کو منانا چاہیے, اس لیے کہ ظاہر سے بات ہے کہ جتنا ہم اس پر روتے ہیں 1400 سال اس سال پورے ہوئے ہیں. لہذا آپ لوگ اپنے اپنے قریے اپنے اپنے دیہات اپنے اپنے گاؤں میں جس طرح ہو جائے اتنی دھوم سے منائیں جشن کہ جیسے سلور جبلی گولڈن جبلی کون سی جبلی اس سال 50 سالہ جشن منایا گیا تھا باب الحوائج, لہذا کہیں ایسا لگے کہ یہ 1400 سالہ جشن ہے. کس کا ہے؟ یہی ہیڈنگ ہے بیمار امام. عزیزو کیا بیمار تھے؟ نہیں. دارالعمارہ میں آگے آگے جناب عباس چچا بھتیجے آگے آگے. 4 محرم کو جب حکم ہوا کہ حسین اپنے خیمے ہٹا لو, جناب عباس کو سنتے ہیں نا, سید سجاد بھی تھے اور سید سجاد کیسے واپس ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے عباس کے لیے حسین تو خیمے میں گئے, بہن عباس کو بلا لو. زینب نے آواز دی, بھیا عباس سے کہہ دو اگر نہیں آئیں گے تو میں خیمے سے باہر آ جاؤں گی. توڑے بھی آئے بی بی آپ نے یہ جملہ کہا کیسے؟ آپ حکم دیں کیا کہتی ہیں, جو کہیے گا وہ کروں گا. بھیا خیمے ہٹا لو, عباس نے خیمے ہٹائے. عزیزو ساتھ ساتھ سید سجاد بھی تھے, ساتھ ساتھ سید سجاد بھی تھے. امام نے آ کے سید سجاد کے کانوں میں کچھ کہا, پیروں میں لرزہ تاری ہوا, زمین کربلا پر بیٹھ گئے, امام پکڑ کے خیمے میں لائے. بیمار نہیں تھے, یہ مصلحت رب تھی. نہ جانے امام نے کیا کانوں میں کہا, ارے جس کو کنیز کا کھلا سر پسند نہ ہو, سختی سے حکم تھا گھر میں مولا کائنات کا کہ جو بھی گھر میں آئے کنیزے سیدہ سجاد کے سامنے جائیں تو سر ڈھکا ہوا رہے. آواز شاید میرا دل کہتا ہے, حسین نے آواز دی ہوگی, اے میرے لال یہ تلوار چلانا تیرا جہاد نہیں ہے, ارے ماں بہنیں ہوں گی کھلا سر ہوگا. آزادارو خیمے سے نکالا زینب نے, بیمار امام بیمار تھے نا. اصل عاشورہ یہ عالم ہے کہ خیمے سے نکل نہیں جائے, اور ثانیہ زہرا اپنی پشت پر لاد کے نکالتی ہے اور 11 محرم کو. عزیزو یہی امام کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, 72 کا داغ دل میں لیے ہوئے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاصا داغ, زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ امام. تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک سر جھکائے ہوئے چلے گئے. سر جھکائے ہوئے, کہیں سر نہیں اٹھایا. عزادارو لوگ کہتے ہیں کہ
चूंकि तौक इतना गहरा था, मानता हूं तौक बहुत भारी था, लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां पर सैयद सज्जाद ने सर उठाया। इसका मतलब है उस तौक की कोई हैसियत नहीं थी। ए आजादारो वजह क्या थी? अरे 72 का दाग दिल में, जब आगे उठाते थे निगाहें उठती थी, कहीं अली अकबर का सर, कहीं हुसैन का सर, कहीं कासिम का सर, रुक मोड़ते थे, कहीं ज़ैनब पहरेदा, कहीं उम्मे कुलसुम पहरेदा, कहीं माए पहरेदा, हमारा आपका इमाम सर झुकाए हुए करबला से कूफा, कूफा से।